Assalamu alaikum. Main ummeed rakhta hoon aap sab theek hain. Today's video is going to be in Urdu. Yes, that's right. Aaj ki video hum karenge phir se Urdu mein. Aap logon ne comment kiya niche, aapne kiya ki Aleem aur videos banao Urdu mein. To Salman ne kiya camera pakdo aur aao hum video banate hain phir se Urdu mein. So main ab koshish karunga. Again, maazrat hai agar main thodi si mistakes karun. Thodi si kya, kafi zyada main shayad mistakes karunga. To hum bas khatti learn karte hain. Matlab learn kya, matlab polish karni hai bas apni skills. Acha, aaj ki gaadi jo hum chala रहे हैं वो है Porsche Panamera Turbo SE Hybrid and ये मेरे दोस्त ने मुझे दी थी. इसने ये गाड़ी खरीदी है not so long ago and उसने मुझे दो तीन दिनों के लिए दी. कहता है कि जाओ इसके साथ वीडियोस बनाओ, चेक करो कि ये कितनी अच्छी गाड़ी है. तो मैं उसको बताया था कि ये बहुत अच्छी गाड़ी है, मुझे पता है काफ़ी स्पेशल गाड़ी है. तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चाबी पकड़ो आप, है ना, ये ट्राई करनी है. तो मैं बहुत खुश था जो उसने कहा कि ट्राई करो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था इस गाड़ी के लिए. मेरी सबसे जो मज़े की फास्ट स्पोर्ट्स कार है वो है Porsche 911 Turbo S. जब मैंने वो Porsche 911 Turbo S चलाई तो मैंने कहा कि वाओ, ये होती है पावर, ये होती है परफॉर्मेंस. लैम्बोर्गिनीज, फरारीज वगैरह वो डिफरेंट डिलीवर करती है. अगर आपने Porsche चलाया हुआ है तो आपको पता है कि Porsche इज द कार. मेरे पापा हमेशा मुझे बताते थे Porsche बेटा इज द बेस्ट कार. मैं कहा ओके. जब मैंने Porsche 911 ट्राई की, अमेजिंग. सो जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये Panamera Turbo SE Hybrid उसने लिया, तो आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज मैंने सोचा चलो पहले ये तो सुने इंजन क्या है इस गाड़ी के अंदर. इट्स अ V8 4 लीटर ट्विन टर्बो जो प्रोड्यूस करती है जस्ट अंडर 700 हॉर्स पावर. अगर 700 के 700 हॉर्स पावर. इसके साथ ये 2400 किलोग्राम गाड़ी है. सो ये काफ़ी हैवी गाड़ी है इस वेट की वजह, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक ई हाइब्रिड बैटरीज हैं वो काफ़ी हैवी हो सकती है. सलमान, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये जो इसके ये ई हाइब्रिड बैज है वो मेरे शूज़ के साथ मैच हो रहे हैं. ये ई हाइब्रिड शूज़ तो नहीं है. अच्छा, सो मैं अब आपको थोड़ा सा गाड़ी के बारे में वॉक अराउंड करते हैं, खट्टी इस गाड़ी को देखते हैं. मेरे पास एक Porsche Panamera होती थी 2013 में, वो V6 डीजल थी. मुझे बहुत अच्छी, मुझे पहले वो गाड़ी आई मैं इतना एक्साइटेड नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो डीजल गाड़ी थी. लेकिन जब मैंने उसके साथ माइलेज की, एक टैंक के ऊपर 600 माइल्स, उसके अंदर 700 माइल्स वो देती है, तो जब मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया मैं बहुत फॉल इन लव करने लग गया था Porsche के साथ और Panamera के साथ. बहुत कंफर्टेबल, यूजबल और बहुत नाइस स्लीक लुकिंग गाड़ी थी. ये वाली स्पेशली बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह. ये सिल्वर के अंदर, दिस इज अ ब्यूटिफुल स्पेसिफिकेशन. ओए इंग्लिश उर्दू. ये साइड पे भी लगे हुए हैं ये ब्रांडिंग Panamera Turbo S के बारे में, जस्ट इन केस अगर आपको ना पता हो कि ये Panamera Turbo S है. लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, ये बिग येलो, येलो पीला, पीले कैलिपर, पीला है ना, पीले ब्रेक कैलिपर्स. ये इंडिकेट करते हैं कि ये सेरामिक ब्रेक्स हैं, जो इनकी जो साइज है इंक्रेडिबल है. लेकिन अगर आप सोचें कि 2400 किलोग्राम्स, 0 to 60 3.4 सेकंड्स, टॉप स्पीड 190-200 माइल्स पर आवर, अगर वो आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो कितनी ज्यादा आपको फोर्स चाहिए है इसको कंट्रोल में रखने के लिए. दीज ब्रेक्स आर अमेजिंग. इसका एक और फायदा है इन ब्रेक्स का कि ये हीटअप नहीं होते. अगर हम इसको ट्रैक पे लेके जाना चाहें या Nürburgring जर्मनी में, और या फॉर व्हाटएवर रीजन अगर हम इसको हार्श ड्राइविंग करना चाहें, तो इसकी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि सेरामिक ब्रेक्स हैं वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छा करती है, ज़्यादा हीटअप नहीं होती. स्टील ब्रेक्स हैं वो ओवरहीट हो जाते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है. अच्छा, अब साइड पे गाड़ी पे मूव, आपको पता है कि इसके ऊपर सेरामिक ब्रेक्स हैं, सो इट्स गॉट द बेस्ट स्टॉपिंग पावर. एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये पैनोरामिक रूफ, पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी के ऊपर है, मीनिंग दैट द इंटीरियर वाइब दैट यू आर गोना गेट, मतलब काफ़ी ओपन होएगा. एग्जेक्यूटिव सैलून, सुपर सैलून है. इसकी काफ़ी वियर्ड वाइब आती है क्योंकि ये लक्ज़री भी है, गुड क्वालिटी भी है, फास्ट भी है और लुक्स गुड भी है. लाइक ये एक कंप्लीट अमेजिंग सुपर सैलून है. ये पीछे अगर आप देखें तो ये स्पॉइलर, इस वक्त मैंने बटन दबा के बाहर निकाला हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस. ये अंदर भी चला जाता है, ये जब अंदर चले जाता है तो गाड़ी काफ़ी स्लीक लगती है, जब बाहर आता है तो काफ़ी स्पोर्टी लगती है. लेकिन इसका ये भी फायदा है कि जब आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं तो जो डाउन फोर्स ये प्रोड्यूस करता है वो इस गाड़ी को चिपके रखेगी, स्टिक करके रखेगी टू द रोड. वो बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा वेट है, आप
फुल कंट्रोल में होना चाहते हैं इस गाड़ी के लिए. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. और द वे पोर्शन है इंटीग्रेट ये किया हुआ है, ये सब कुछ इस गाड़ी के अंदर, जिस तरह ये छुप जाता है स्पॉयलर, जिस तरह ये निकल आता है. गुड इंजीनियरिंग, यू नो, फन इंजीनियरिंग. आपने ये देखा है कि ये जो पोर्शन ब्रांडिंग के ऊपर ऑल्सो वो एसिड ग्रीन सारी राइटिंग है. पीछे ये फोर क्वाड एग्जॉस्ट है, इसकी नॉइज भी काफ़ी अच्छी है. V8 गाड़ी है यार, V8 गाड़ी की तो आवाज़ अच्छी होती है. टर्बो भी है, इलेक्ट्रिक भी है. हर चीज़ है. मैं आपको ब्रीफली अंदर से थोड़ा सा दिखाता हूँ. इस गाड़ी के अंदर ब्यूटीफुल इंटीरियर है. इसका जो पोर्शे 911 जैसे स्टेयरिंग व्हील है, इंटीरियर डैश, हर चीज़ बहुत स्लीक है. मिनिमल बटन्स है, हर चीज़ डिजिटल है. लेकिन हम इसको थोड़ी देर में देखेंगे. हम जब वापस ड्राइव पे जाएंगे ऑफिस पे, तो मैं आपको इसकी इंटीरियर भी दिखाऊंगा और हम थोड़ी सी ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे. लेकिन अगर आप ये देखें तो सही, इसके आगे से देखें कितना इसका फैट फेस है, कितनी वाइड गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है. मुझे पता है कि पाकिस्तान में तो यही तो पता है, ऑब्वियसली जब मैं पाकिस्तान ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उधर पोर्शे फैंस बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में. पोर्शे पाकिस्तान की डीलरशिप भी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ था उधर को, मैं सुना कोई पैसे लेके भाग गया था. लेकिन पोर्शे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा चलती है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क है पोर्शे के बारे में. लोग कायन एंड पैनामेरा बहुत पसंद करते हैं. 911 भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन दिस इज़ गोना बी जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो तो पैनामेरा है, बिकॉज फोर डोर पोर्शे एंड परफॉर्मेंस. अब गाड़ी हम फिर थोड़ी देर में देखते हैं. आज हम आए हुए हैं ऑनिक्स ऑटोमोटिव. मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, बताऊँ कि PPF क्या होता है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म क्या होता है. आप सोच रहे होंगे लीम ये क्या कह रहे हैं, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पे, समझ. मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ. सबसे पहले ये तो देखें कि ये अमेजिंग क्लासिक SL Mercedes खड़ी हुई है, कितनी ब्यूटीफुल लगती है. मुझे पता है पाकिस्तान में Mercedes Benz फैंस बहुत ज़्यादा हैं. नई वाली Mercedes Benz के लिए भी है और क्लासिक Mercedes Benz के लिए भी है. और ये गाड़ी इसलिए आई हुई है क्योंकि इसका जो पेंट वर्क है वो रिस्टोर होने वाला है. इसका पेंट वर्क शायद फेड हो या इसके ग्लॉस फैक्टर नहीं काफ़ी, तो इसको एक किस्म का पॉलिश एंड ट्रीटमेंट देंगे. लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इस गाड़ी का तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, इन गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है. इन गाड़ियों के साथ बहुत कुछ होने वाला है. और जितनी ये प्यारी इस वक्त लग रही है माशाल्लाह, इससे ज़्यादा वो प्यारी लगेंगी. और जब ये इन बूथ्स के अंदर गाड़ियां जाती हैं तो मैजिक शुरू हो जाता है. मैजिक क्या शुरू होता है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ. इधर मेरी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां आती हैं और मेरी बुगाटी भी इधर आई थी. अगर आप देखना चाहें उस वीडियो को, वो है इंग्लिश में ही. सो अगर आप देखना चाहें तो वो ये है, इधर क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि आप बुगाटी शिरोन को PPF होते हुए देख सकते हैं. अब मैं आपको बताऊं इन गाड़ियों के साथ क्या होने वाला है. अब ये गाड़ियों को फुल मशीन पॉलिश वो पहले करेंगे, सबसे पहले वो पेंट करेक्ट करेंगे. अब ये नई 2021 फरारी रोमा है. अब आप कहेंगे कि ये फैक्ट्री से ये गाड़ी आई है, इसके साथ उनको क्या करना पड़ेगा, ये गाड़ी ब्रांड न्यू है, जीरो मीटर है. तो अक्सर ये होता है कि क्योंकि वो गाड़ियाँ इस तरह वो डिलीवर करते हैं और शायद वो डीलर प्रेप ना करे सही तरह, शायद वो डीलरशिप के अंदर उनके जो जो बंदा मेंटेन या साफ करता है गाड़ियाँ, और जब वो डिलीवरी पे जाती है शायद उसके पास वो एक्सपर्टीज ना हो जो इन प्रोफेशनल डिटेल उसके पास होता है. इसलिए लोग अपनी नई गाड़ियाँ इधर बेचते हैं. डीलर कहते हैं हाथ भी ना उस गाड़ी को लगाना, प्लीज़ जब आए वो ट्रक से तो आप उसकी स्टिकर, आप उसकी गाड़ी की सीट के कवर कुछ भी ना ताना. इधर वो गाड़ी बेचते हैं, इधर प्रोफेशनल्स फिर उस गाड़ी को लुक ओवर करते हैं. हाई इंटेंसिटी लाइट्स बूथ के अंदर वो गाड़ी जाती है, फिर इस गाड़ी के सारा पेंट वर्क चेक होया होता है. अब आप देखें तो सही, स्टैंडर्ड्स तो काफ़ी हाई हैं, इतनी ज़्यादा फॉल्ट्स एंड प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो उनको परफेक्ट कर देते हैं. फिर उसके बाद वो रियल मज़ा शुरू होता है. अब क्या फ़ायदा है, आप गाड़ी को पॉलिश करें, आप गाड़ी को साफ करें, आप गाड़ी को प्रिपेयर करें, फिर आप उसको बाहर लेके जाएं और पूरे एनवायरनमेंट की डस्ट और जो हर चीज़ है जो रोड के ऊपर से आती है उन पेंट वर्क के ऊपर, फिर आप गाड़ी को धोते हैं, फिर वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, फिर आप उसको पॉलिश करते हैं, आप बार बार पेंट को खाते जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गाड़ियों को पेंट प्रोटेक्ट फिल्म करें. सो अगर आप ये देखें, मेरे हाथ में इस वक्त एक स्ट्रिप ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है. अब आप ये सोचें, एक किस्म की ये सेकंड स्किन है, ठीक है. ये गाड़ी का जो पेंट वर्क है ये
इस तरह की ग्लॉस हम हमेशा इस तरह ही देखना चाहते हैं। जब बंदा कहता है यार शोरूम कंडीशन है गाड़ी, अगर आप गाड़ी को शोरूम कंडीशन में रखना चाहते हैं तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक गाड़ी के ऊपर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाइट गाड़ी के ऊपर तो फिर भी नहीं कुछ नजर आता, समझ आ गया, लेकिन ब्लैक गाड़ी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाने से पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो होता है ये इंस्टॉल होता है फ्रॉम प्रोफेशनल्स, इनके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये कटआउट ढूंढते हैं, हर शेप देखते हैं वो पैनल की, और ये जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह अप्लाई होता है कि आपको नजर भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता कि इस पेंट के ऊपर ये एक किस्म की ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूं, अब मैं आपको एक चीज डेमोंस्ट्रेट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये फरारी देखें, मैं ये प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं प्रोफेशनल जैसे नहीं अप्लाई करता, लेकिन अगर आप इस कॉर्नर को इस तरह देखें जिस तरह मैं अप्लाई करूं, ठीक है, आपको ये नजर भी नहीं आएगा, ये वो इस तरह मैच करते हैं कटआउट्स को, ये एजेस के ऊपर जाता है, आपको ये बिल्कुल नहीं नजर आता, इनविजिबल हो जाता है ये। ठीक है, अब ये सेकंड स्किन चढ़ गई है, इस ये पूरे एनवायरनमेंट की जो डैमेजेस हैं, पूरे एनवायरनमेंट की जो स्टोन चिप्स आते हैं गाड़ी के ऊपर, जो डस्ट गाड़ी के ऊपर जाती है जब लोग मलते हैं गाड़ी को, ठीक है, वो सारा इम्पैक्ट पीपीएफ स्किन लेती है। ठीक है, पीपीएफ का जो रैप होता है वो अब्सॉर्ब करती है सारा डैमेज को, लेकिन मजे की ये बात है कि वो जब वो स्क्रैचेस उस पीपीएफ के ऊपर लगते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी स्क्रैच स्क्रैच लगती है, उसके ऊपर जब हीट लगती है इस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के ऊपर वो एक्सपैंड होके फिर हील हो जाती है, सेल्फ हीलिंग हो जाती है, सो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिस्टोर कर देती है, मतलब सारे स्क्रैचेस हर मार्क्स गायब और गाड़ी फिर शोरूम कंडीशन के अंदर। ये मैजिक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म क्या है। अगर हम इस बूथ के अंदर एंटर हुए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लैम्बोर्गिनी एवेंटरो एसवी रोडस्टर, वो गाड़ी क्या एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्लैक गाड़ी है उसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लग रहा है। आए मैं आपको दिखाऊँ, इधर मेरी एक बीएमडब्ल्यू M3 भी है, वो भी ब्लैक में है, उसको भी मैं पेंट प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो हम यूज करेंगे डेली, वो हम यूज करेंगे काफी ज्यादा, सो अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो उसके ऊपर फिर ज्यादा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम्स भी होंगे, उसके ऊपर ज्यादा डस्ट भी जाएगी, उसकी ज्यादा ऊपर बाहर ज्यादा रहेगी, शोरूम के अंदर नहीं रहेगी, उसके ऊपर स्टोन चिप्स लगेंगे। ये नहीं हम चाहते कि हम बार बार स्टोन चिप्स होए तो हम स्प्रे करते जाएं गाड़ी को, पेंट लगाते जाएं गाड़ी को, नहीं, हमने फैक्ट्री रखनी है गाड़ी इंशाल्लाह। तो इधर आप आए तो आपको दिखाते हैं, ये बॉयज इस वक्त काम कर रहे हैं Lamborghini Aventador SV Roadster के ऊपर। अच्छा, ये गाड़ी का जो पेंट है बिल्कुल फ्लैट ब्लैक है, मतलब मिरर ब्लैक, ये पेंट प्रोटेक्शन के बगैर फुल स्क्रैच बोर्ड लगेगा, इसके ऊपर इतने स्क्रैचेस आएंगे और बहुत इजीली नजर आएंगे। ये गाड़ी जब नई थी इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा था, फिर जब ये गाड़ी बिकी थी उस बंदे ने ये तारा था ताकि गाड़ी के जो नीचे से पेंट वर्क है वो हमेशा ब्रांड न्यू रहता है। फिर हमने अब री अप्लाई किया फ्रेश पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक्सपेल, वो थोड़ा सा ज्यादा थिकर है, इसका मतलब है कि वो फ्रंट पे जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं वो ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकते हैं स्टोन चिप्स। सो अगर ये आप गाड़ी किसी और गाड़ी के पीछे आप चला रहे हैं, मसलन आई रेंज रोवर और आप लैम्बोर्गिनी एवेंटरो SV में है, तो वो स्टोन्स फेंकेंगे तो आप ये नहीं चाहते कि आपकी पूरा फ्रंट एंड ऑफ द कार मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए स्टोन चिप्स की वजह से, खा जाए पूरे पेंट को, फिर आप पेंट करते जाए फिर यार ये वो गाड़ी वो नहीं रहती। इस वजह से अगर आप देखें माशाल्लाह कोई स्क्रैचेस भी नहीं नजर आ रहे, ये इस तरह जैसे बना मिरर लगा दे, रिफ्लेक्शंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है। और ये अभी बॉयज इस वीडियो पर काम करें, काफी मुश्किल काम है, काफी ज्यादा घंटे लगते हैं, बहुत अगर आप देखें बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ये फिट आउट का तो आप देखें जिस तरह मैं बाहर अप्लाई कर रहा था, मैं वो जिस तरह वो लगा रहा था, इधर आए इस पूरे साइड के ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगा हुआ, ठीक है, आपको नजर कुछ आ रहा है, ये देखो पूरे एजेस कुछ भी नहीं। और ये देखें मैं अपने नेल के साथ अगर ये इस तरह मार्क करूं, ये देखें इसके ऊपर ये मैंने निशान लगाया इसके ऊपर, ये मैं अब कपड़े के साथ, ये अब इस कपड़े के साथ अगर मैं इस तरह करूं बिल्कुल गायब, इनक्रेडिबल। ये किसी का इसका सेकंड स्किन है और वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह की हाई स्पेक गाड़ी के लिए। आई मैं आपको दिखाऊं जो नई BMW M3 मैंने रिसेंटली खरीदी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो आप इधर देख सकते हैं क्लिक करके, वो इंग्लिश में है। आए मैं आपको दिखाऊं BMW M3।
अब ये नई गाड़ी है, काफी लेटेस्ट गाड़ी है, पूरे यूके में बहुत काम आई हुई है इस वक्त. इनफैक्ट बीएमडब्ल्यू कह रहे थे कि रेजिन वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज है इस वक्त रेजिन की, तो इसलिए वो कार्बन फाइबर रूफ नहीं बन सकता वो इंटीरियर पार्ट्स, तो वो थोड़ा सा बैकलॉग हो गई थी डिलीवरीज में. सो ये गाड़ी जब आई तो एक्सपेल ने इस गाड़ी को सारा स्कैन किया, तो इसके सारे कटआउट्स लिए वगैरह, अब वो फर्स्ट बीएमडब्ल्यू M3 के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. मैं चूज कर सकता था टू वर्जन्स के अंदर. सो ये जो PPF होता है ग्लॉस में आती है और मैट में आती है. आप ग्लॉस कलर, फैक्ट्री ग्लॉस कलर को मैट भी कर सकते हैं. मैंने ये किया हुआ है Lamborghini Aventador S Roadster के ऊपर, वो ब्लैक थी, ग्लॉस ब्लैक. मैंने उसके ऊपर गोल्ड व्हील्स लगाए और सैटिन ब्लैक किया था, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा. इस गाड़ी के ऊपर भी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इसको सैटिन ब्लैक करूं, लेकिन मुझे इतनी प्यारी माशाल्लाह लगी थी ग्लॉस ब्लैक में, मैंने उनसे कहा था कि वो क्लियर PPF लगा दें. सो एज आई सेड, एक क्लियर PPF होता है, एक वो होता है फ्रॉस्टेड, कि आप जब लगाते हैं जो ओरिजिनल पेंट होता है उसके नीचे वो मैट हो जाता है. इस गाड़ी के ऊपर वो काफ़ी काम करने लगे हैं, वो भी ब्रेक पे गए हुए हैं, सो इसलिए हम इधर से अब निकलते हैं वरना टाइम लग जाएगा वापस आने में. और गाड़ियों के अलावा मोटर बाइक्स भी हैं इधर, ये देखें, ये Ducati 1098 Espanigal, क्या मज़े की बाइक है. ये मैंने Ducati, ये वाली Ducati नहीं, इस तरह की सेम मॉडल मैंने एक दफ़ा लाहौर में चलाई थी पाकिस्तान, बहुत मज़ा आया था. और मैंने बस मज़ा आया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है फोर आर्म्स के ऊपर Ducati के ऊपर. अगर आप लोग बाइक्स राइड करते हैं आपको पता होगा Yamaha R1 काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है कम्पेयर टू द Ducati 1098. ये गाड़ी भी जस्ट वेरी ब्रीफली, ये पेंट प्रोटेक्ट करेंगे इसको, ये 0 मीटर गाड़ी है, ये नई Ferrari Roma है, ये एंट्री लेवल Ferrari है, काफ़ी मज़े की है. अच्छा आए मैं अब आपको एक और गाड़ी दिखाऊं जो इधर आई हुई है इस वक्त. ये दिस इज Harry. Harry से हाई टू द उर्दू ऑडियंस. ये ब्लू रोल्स रॉयस रेथ, कितना प्यारा ये कलर है, ये आपने दबाया. ये अब रेथ आई हुई है इतने प्यारे ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में. ये गाड़ी 2000 में, जो ये एग्जैक्ट एज नहीं इसका पता, लेकिन ये 2014 से पहले की ये गाड़ी है, या 2015, क्योंकि इसके पास सीरीज 1 के हेडलाइट्स है. इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी है हो सकती है कोई 6 to 7 years और पुरानी है, ठीक है. अगर आप इधर आके इसका इस वक्त पेंट वर्क देखें ना, तो ऐसा लगता है कि ये इस वक्त, इसी वक्त अभी फैक्ट्री से निकली है इसने 1 किलोमीटर किया हुआ. ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है. अब इन्होंने इस गाड़ी का पहले पेंट वर्क रिस्टोर किया, ठीक है. पहले ये 2-3 दिन लगाते हैं हर पैनल को परफेक्ट करने में. पहले एक पेंट स्टेज होती है जो वो पेंट को कट करती है, वो पेंट को हल्का हल्का है ना, बहुत 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 थोड़े से फ्रैक्शन से है ना, उसको है ना लेयर को उतारती है, वो फिर उसको फ्लैट करके फिर उसको पॉलिश करते हैं, फिर उसके ऊपर इतने पॉलिशिंग के लेयर्स करके उसका ग्लॉस फैक्टर लगा के उसको सारा सील करते हैं वैक्स के साथ, सारा यहाँ सिरेमिक कोटिंग के साथ, फिर उसके ऊपर PPF वो लगाते हैं. अब ये गाड़ी अगर आप किसी आम कार वॉश पे लेके जाएं, या अगर आपकी डस्ट लगे हुए गाड़ी के ऊपर और कोई आके उस गाड़ी को मले या हाथ लगाए, कोई टेंशन नहीं कि वो लैकर को स्क्रैच करेगी, क्योंकि पेंट प्रोटेक्शन ने उस गाड़ी का ग्लॉस फैक्टर और जो उन्होंने उस PPF के नीचे जो काम किया हुआ वो हमेशा शो करेंगे. सो ये गाड़ी अब 6000 माइल्स इस गाड़ी ने किया हुआ है 6 सालों में, मतलब इसके ओनर ने कोई 1000 माइल एक साल हर साल में किया है. सो ये काफ़ी लो माइलेज गाड़ी है. उसको इतनी अच्छी कंडीशन में वो गाड़ी थी, शायद उस बंदे को अच्छे प्राइस पे मिले हुए ये गाड़ी, इतनी अच्छी कंडीशन में उसने सोचा है कि मैं इसको पेंट प्रोटेक्ट कर लेता हूँ. गाड़ी लो माइल्स है, क्लीन पेंट वर्क है, नाइस स्पेसिफिकेशन है, क्रीम इंटीरियर. सो Why not protect your investment? पहली चीज बंदा देखता है गाड़ी खरीदने में, या पहली चीज जब बंदा देखता है जब गाड़ी गुजरती है, तो वो उसकी पेंट वर्क की कंडीशन होता है. अगर पेंट वर्क ना अच्छा हो या उस गाड़ी की कंडीशन ना अच्छी हो, तो उस गाड़ी का क्या मजा है? Harry, take care, brother. मुझे उम्मीद है कि आपको अब थोड़ी सी बेहतर समझ आ गई होगी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म क्या होता है. ये मेरे फ्रेंड्स Onyx Automotive जैसे मेरे बर्मिंगम में बेस्ड है, ये लोग मेरी गाड़ियों को लुक आफ्टर करते हैं. इधर इनके पास अमेजिंग गाड़ियाँ आती हैं, एंड मुझे बहुत मज़ा आता है इधर आने में, गाड़ियों के डिफरेंट स्पेक्स देखने में और अपनी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने में. पाकिस्तान में आई एम श्योर
लॉ करते होंगे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, कमेंट बिलो अगर लॉ करते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, अगर करते हैं तो उनकी कंपनीज को नीचे टैग करें, आप लोगों को उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास बिग लैंड क्रूजर जीप्स हैं या बिग ब्लैक कार्स हैं तो आपको उनकी पेंट वर्क और उसकी एस्थेटिक्स को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी पेंट वर्क को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लाजमी देखना चाहिए आपको कि ये PPF ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म क्या चीज़ है। एनीवे आओ चलें वापस ऑफिस में इन द पोर्श पैनामेरा टर्बो SE हाइब्रिड। अच्छा अब हम पोर्श के अंदर हैं, इस वक्त गाड़ी चल रही है स्पोर्ट प्लस मोड पे। As you can tell, the gaadi ki performance incredible. ये इस वक्त गाड़ी चल रही है स्पोर्ट प्लस मोड में, इसकी सस्पेंशन लेवल भी काफी स्पोर्टी मोड में। अगर हम इसको एक दफा दबाएं तो ये गाड़ी का सस्पेंशन बिल्कुल नरम हो जाता है, ताकि नॉर्मल डे टू डे रोड यूज के लिए जिस तरह के बर्मिंघम की रोड्स हैं इसके लिए परफेक्ट है, नाइस एंड सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप, किसी बम्प हम्प आए तो वो नाइसली अब्जॉर्ब कर लेता है। ये अगर मैं बटन एक दफा दबाऊं तो वो स्पोर्ट हो जाता है, एक और दफा दबाऊं तो वो एक्स्ट्रा स्पोर्ट प्लस हो जाता है, गाड़ी बिल्कुल नीचे बैठ जाती है और ज्यादा कंट्रोल होता है शासी के ऊपर। नाउ इसको हम कम्फर्ट मोड में जाने देंगे क्योंकि हम इस वक्त शहर में गाड़ी चला रहे हैं। एंड ऑफ, एज यू कैन टेल इस गाड़ी की परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल है। वो जो 700 हॉर्स पावर के बारे में मैं बात कर रहा था वो आप ट्रूली महसूस कर सकते हैं जब आप गाड़ी के एक्सेलरेटर को एक्सेलरेटर दबाएं। अब हम इसको हाइब्रिड मोड में डाल देते हैं, आप अप टू 30 माइल्स पर आवर पे जाएं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये, जैसे पेट्रोल चल रहा है मुझे मतलब चेंज होता रहता है, अब ये वापस हाइब्रिड पे चली गई है। अब इसका इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पोर्शे ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे हाई क्वालिटी फिनिश, जो मटेरियल्स वो यूज़ करते हैं गाड़ी के अंदर एल्युमिनियम पॉलिश्ड लेदर, हर जगह लेदर है, ये अल्कांतारा स्वेड रूफ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर ये जो पैनोरामिक रूफ है, फिर ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं टच स्क्रीन की ऑल ओवर द डैश, हर चीज़ गुड फिनिश है, हर बटन कॉल जो दबाते हैं आपको पता चलता है क्वालिटी है, एंड क्वालिटी आप देखते हैं स्टिच के अंदर, आप क्वालिटी देखते हैं जिस तरह उन्होंने टुगेदर सारी गाड़ी उन्होंने ज्वाइन किया। इस गाड़ी की हैंडलिंग फोर व्हील स्टेयरिंग के साथ, जो सारे चारों व्हील टर्न होते हैं जब आप गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील को मोड़ते हैं, तो ये हेल्प करती है इतनी बड़ी गाड़ी को एजाइल फील करने में। मसलन अब आप देखें ये इतनी बड़ी गाड़ी है तो अगर पिछले टायर भी मुड़े तो अगले भी टायर तो गाड़ी ज़्यादा मुड़ सकती है, छोटी फील करने लग जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो 911 टर्बो ऐसा आप उसको इसलिए फील कर सकते हैं कि आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं उस गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो आपको फील कराती है कि मैं एक किस्म की गो कार्ट हूँ, स्मॉल कार इन कंट्रोल। एंड ये फोर व्हील स्टेयरिंग जो है वो हेल्प करती है गाड़ी को, इस गाड़ी को जितनी बड़ी ये गाड़ी है इस गाड़ी को छोटा फील करने में, ताकि आप गाड़ी कंट्रोल में रख सकें। और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर, बड़े फीचर्स हैं बैक के अंदर, ये जो स्क्रीन लगी हुई हैं ये टैबलेट्स हैं, ये उतर भी जाते हैं, इसके अंदर इंटरनेट भी होता है वगैरह, आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, आप ब्राउज भी कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह। आप ये देखें ये सीट्स बड़ी मज़े की सीट्स हैं, कम्फर्टेबल एंड स्पोर्टी, अब बिल्कुल कंफर्टेबल सीट भी नहीं हमें चाहिए, बिल्कुल स्पोर्टी सीट भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी इसके अंदर बंदा काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स करता है, काफ़ी ज़्यादा माइल्स करता है। अब हमें एक स्ट्रेट मिला हुआ है, ये मैं गाड़ी स्पोर्ट प्लस में डालता हूँ, मैनुअल में डाली है, ये एक एक्सेलरेशन इसकी गाड़ी की करते हैं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था लाजमी करना भाई, बहुत तेज़ गाड़ी है, अभी हम ट्राई करते हैं। ये हम स्टैंडिंग पे जा रहे हैं एंड गो, बहुत तेज गाड़ी है, बहुत तेज गाड़ी है भाई, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, Porsche they make fantastic cars, इसकी जो ब्रेकिंग भी है वो कितनी टाइट है, हैं ब्रेक्स भी इसकी टाइट है, इसकी परफॉर्मेंस भी टाइट है, इसकी जो एजिलिटी है वो भी टाइट है, और मजे की ये बात है हाइब्रिड गाड़ी है, तेल भी कम खाती है नहीं बिल्कुल नहीं पेट्रोल ये पी जाती है।
ओके गाइस, सो वी वेंट फॉर अ क्विक लिटिल शॉर्ट ड्राइव। मैंने ये वीडियो इंग्लिश में भी करनी है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने उर्दू व्यूअर्स के लिए पहले उर्दू में करते हैं। सो अगर आपने एंजॉय किया इस वीडियो को तो एक थम्स अप इस वीडियो को देना, मुझे बड़ा हेल्प करता है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को आपने बटन दबाना है ताकि आप नोटिफाई होते हैं जब मेरी वीडियो अपलोड होती है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम और वीडियोस बनाएंगे। होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, मेक श्योर लाइक आई सेड सब्सक्राइब शेयर लाइक ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ, एंड इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं फॉर मोर वीडियोस। टेक इट इजी, गॉड ब्लेस, बाय बाय।